सिक्स सेवन एट नाइन टेन चेंज। अभी हाथ को करेंगे सब आगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चेंज। हाथ को करेंगे सभी अभी, कलिया घुमाएंगे, वन टू पांच बार दस बार थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तीन बार उल्टा से भी करेंगे सभी लोग अभी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये भाई, यहाँ तक ही रखेंगे। अभी हाथ सामने करेंगे, पहले अभी एक बार जैसे स्विमिंग करते हैं, बाया से तो इसको शुरू करेंगे, स्विमिंग जैसे करते हैं वैसे। हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब दूसरे हाथ से करेंगे चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी दोनों हाथ को सामने कर लेंगे, वन कमर को थोड़ा थोड़ा टू थ्री देखना भी उधर ही है, हाथ फोर के साइड। फाइव सिक्स सेवन एट हाथ की तरफ देखो ना, तुमको नाइन टेन। सही करना। अभी फिर अभी कमर कमर में दबा जाएंगे अपने कद के मुताबिक, कमर मतलब पैर खोल लेंगे, हाथ कमर पे। हाथ कमर पे और शुरू करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव रुको सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रुको, उल्टा से करना है अभी, वन जीरो बनाना है सबको, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आगे पीछे करेंगे सभी को सब, रिलैक्स रिलैक्स बॉडी रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, ऐसे सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, पंजा कर सामने होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चलिए एट नाइन टेन। दूसरे पैर से करेंगे अभी, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। जेंट्स अभी हाथों का करेंगे, इस सिक्स कमर पे हाथ और हाथ को इस दोनों टांगों के पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज आगे पीछे, वन थोड़ा सा
के मुझे आप मुताबिक सर सॉफ्टवेयर साइड और से लेंगे। आवाज उठा रहा है, साइड की आवाज बंद कीजिएगा सर, केदार सर। जी, ओके ओके, अभी सभी ने हाथ ऊपर कर लेंगे, स्ट्रेचिंग करना है शरीर को थोड़ा। कहता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, उल्टा साइड से करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, आगे पीछे होंगे। थोड़ा सा वार्म अप खोलेंगे, पैर को ऊपर नीचे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चेंज, दोनों हाथ ऊपर। अभी एक पैर और दूसरे पैर दोनों करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चेंज, आगे पीछे। दोनों हाथ सामने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, गर्दन पे हाथ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेंस, आगे पीछे। आई पैर को उठाएंगे, अपने जगह पे सब खड़े हो जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जिसको जितना हो सकता है उतना करिएगा। दूसरा पैर, पैर बदली। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बदली। इट्स स्ट्रेचिंग। अभी हम पैर क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
जैन जैन हाथ वाला करेंगे। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खड़े हो जाएंगे। हाथ ऊपर, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 चेंज आगे पीछे। सभी ने अपने अभी खड़े हो जाएंगे। हाथ कमर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूसरे पांव से होगा अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सभी रेफरेंस पी देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे थोड़ा। जिसके पास रेफरेंस नहीं है वो गर्म पानी ले सकते हैं। आगे पीछे अभी पैर का करेंगे एक्सरसाइज धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 स्पीड बढ़ाएंगे। 8 9 10 अभी धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अभी ऊपर ताली होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे पीछे। सभी जिसको जितना हो सके उतना करिएगा। चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट हट जाम होगा। 20 टाइम करेंगे इसको, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, नीचे झुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी झुकना है सबको, कमर वाला करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे पीछे सब सीधे खड़े हो जाएंगे, झुकेंगे अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। दोनों पैर मिला लेंगे ऐसे, इसको जितना हो सकता है उतना करिएगा। इससे साइड का बेली पेट कम होता है। सभी लोग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। पैर का बदली करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, झुक जाओ सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे पीछे। अभी सब लोग अपना अपना ग्राउंड से बिछा लेंगे, अभी लेट के करेंगे। सब लोग रेडी है और के लिए दोनों घुटने पे अभी सब लोग लेट जाएंगे। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट अभी चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। रिलैक्स,
बांह पांव ऊपर, हाथ पीछे, दाहिने पांव नीचे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस टेन। पांव का बदली करेंगे, हाथ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स, हाथ दोनों पीछे, पैर क्या करेंगे, पैर को आगे पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज, इसके बाद दोनों हाथ सामने है, अभी गोल गोल घुमाएंगे, जैसे मतलब आटा पीसते थे ना जत्री पहले, हाथ पहले के जमाने के लोग, उस टाइप का करना है। इससे बेली फैट कम होता है, पेट का चर्बी, टाइट का चर्बी। दोनों उंगली सामने है, ऐसे अंगूठा सामने होगा, वन टू जितना हो सके उतना करना है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी उल्टा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज, पैर दोनों अपना खोल लेंगे, सामने जितना हो सके उससे करिए उतना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज, बटरफ्लाई करेंगे अभी, टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी सभी लोग पेट वाला एक्सरसाइज करना है, दोनों पाँव को बॉडी के हिसाब से कटा हुआ होना चाहिए, हाथ सामने है, और इसको हम लोग 20 टाइम करेंगे अभी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइन्टी ट्वेंटी। ये ले जाइए सब लोग, रिलैक्स हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव
सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी हाथ वाला करना है, कमर वाला, इससे कमर दर्द थोड़ा ठीक होता है। पैर दोनों सटा हुआ होना चाहिए, हाथ आगे चेस्ट के पास और गर्दन सीधा देखना है ऊपर की तरह। वाह वाह, तो आराम आराम से करेंगे। थ्री टू फाइव सिक्स सभी लोग ऊपर तरफ देखेंगे आसमान की तरफ। फाइव सिक्स एट नाइन, आसमान की तरफ देखेंगे। टेन रिलैक्स, सभी लोग लेट जाएंगे। पैर जो है घुटने पे, दोनों हाथ लॉक, शुरू करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दे। अब लास्ट है, पेट क्या करेंगे उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। सब लोग लेट जाएंगे, दोनों दोनों घुटने फोल्ड, हाथ जो है चेस्ट पे, जिसको जितना हो सके उतना करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सभी लोग खड़ा हो जाएंगे। आगे पीछे अभी रिलैक्स स्ट्रेचिंग करेंगे। डूब जाएंगे हाथ मेरा, हाथ को हिलाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे रिलैक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आराम से आगे पीछे हाथ वाला करेंगे। अभी स्ट्रेचिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स।
अभी पैर का करना है। अच्छा हवाई जहाज पोजीशन। जिसको जितना हो सके उतना करना है, नीचे तक झुक के हो सके तो छूना है। वो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। चलिए ये मेरा आज का आपका बैलेंस चेक करेंगे। आ जाएंगे है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चलिए नमस्कार, मैं केदार नायक आसाम से आप लोगों को वर्कआउट कराया। मेरा फर्स्ट दिन था। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी सब लोग एक बार ओके हंसेंगे। एक बार हंसना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए 3 बार हंसना है। सभी लोग झुक जाए। हा 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 बिल्कुल खोल के हंसना है। हा 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 ये सबको मजा आया होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कम्युनिटी। थैंक यू सर। ओवर टू। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच सर, इतने जबरदस्त वर्कआउट कराने के लिए, है ना सर को, सर के लिए क्लैप कर सकते हैं आप सभी। जबरदस्त वर्कआउट करवाए हैं, चैट बॉक्स खुला हुआ है, सभी कोई चैट बॉक्स में जा करके उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। तो अमेजिंग वर्कआउट करवाए हैं, है ना, तो सभी ने किया ना, सभी को सब कोई पसीना आया कि नहीं? नहीं आया, आया ना पसीना, सभी को पसीना आया होगा, है ना, कि इतने जबरदस्त वर्कआउट 20% सर ने आप पूरा कर दिया, है ना। तो आप सभी को जो है किसी को जाना नहीं है यहाँ से, है ना, क्योंकि अभी तो 20% ही खत्म हुआ है, 80% अभी बाकी है, बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें लेनी है। तो आप सभी जो है इस कॉल पे 326 लोग दिख रहे हैं, अभी 327 थे, एक लेफ्ट हो चुके हैं। तो लेफ्ट किसी को नहीं होना और किसी को नहीं जाना है, जब तक हम 100% अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो 100% हमें फॉलो करना होगा। तो 100% के लिए जो क्या करना है, 20 और 80 का जो है उसे रूल को अपनाना है। तो इसलिए किसी को नहीं जाना है। तो आप लोग को करना क्या है, एक साफ कपड़े से अपने फेस को पोंछ के एक शांत जगह पे बैठ जाना है, पंखे के नीचे जो है अभी नहीं बैठना है ना, क्योंकि अभी ने हम लोग ने वर्कआउट किए हैं, तो ये पसीने को जो है पंखे से नहीं सुखाना है, कपड़े से पोंछना है, और पोंछ करके एक शांत जगह पे बैठ जाइए। फ्रेश किसी का बचा है या खत्म हो गया? खत्म हो गया तो बना ले, है ना, मेरा तो अभी बचा हुआ ये तीसरा है, तीसरा ग्लास है।
तो अगर किसी का खत्म हो गया है तो बिल्कुल एक ग्लास गर्मा गर्मा फ्रेश बना के अपने सामने रख लें, ताकि जो है आप को नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो क्योंकि बहुत सारी भी जानकारी हमें जो है लेनी है। तो अगेन फिर से जो है हमारे वर्कआउट सर के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। तो चलते हैं, सर स्लाइड को रन करेंगे थोड़ा सा। तो 20% और 80% है ना। तो हम लोग को क्या करना, हम लोग जो एक बेहतरीन जगह पे है कि नहीं है, बेहतरीन जगह पे है ना। मॉर्निंग का वर्कआउट कितना जबरदस्त इनर्जेटिक है ना, तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग वर्कआउट कर ही रहे हैं, तो वर्कआउट को बंद कर दें और शांत जगह पे बैठ जाएं, ताकि जो है हम कुछ नई चीजों को सीखें भी। बहुत सारी चीजें जो है बाकी है। एनराइज कर सकते हैं, सामने आ सकते हैं सब कोई, है ना। तो जिनका भी ऑडियो कनेक्ट नहीं है, अपना ऑडियो कनेक्ट कर लेंगे, वीडियो कनेक्ट कर लेंगे। कुछ लोगों का वीडियो अभी भी ऑफ है, तो वीडियो कनेक्ट कर लेंगे, है ना। आप सभी का जो है ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब में जो है बहुत बहुत स्वागत है ना सर। कंपनी के कुछ प्रोफाइल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर स्लाइड को थोड़ा सा रन करेंगे। तो अभी जो है आप सभी को करना क्या है, जितने भी कोचेस है ना थोड़ा ध्यान देंगे, जिनका भी ऑडियो वीडियो कनेक्ट नहीं है उनका वीडियो कनेक्ट कराने में आप लोग जो है थोड़ा सा जिनको भी लिंक दिए हैं उनको हेल्प कर सकते हैं ऑडियो कनेक्ट कराने में, ताकि जो प्रॉपर जो है जानकारी ले सके, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो आप सभी को क्या करना है, अपने अपने कोच हमारा स्लाइड भी रन हो रहा है, स्लाइड आ चुका है ना। तो अगेन जो है आपका आप सभी का न्यूट्रिशन ऑनलाइन क्लब में बहुत बहुत स्वागत है ना। तो ये कंपनी के कुछ एथिक्स हो हैं, यहाँ पर जो है कोई बीमारी को ठीक नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ जो भी कोई रिजल्ट सुनने के लिए मिलेगा वो उनका पर्सनल रिजल्ट होगा, है ना। तो इसलिए जो है, और अपने अपने कोचेस के लिए जो है एक बार खड़े होकर के जो है क्लैप करेंगे, है ना। क्योंकि वही वही लोग हैं जो हमें इस बेहतरीन लाइफ को जीने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए अपने अपने कोचेस के लिए जरूर एक बार खड़े होकर क्लैप करेंगे। और ये खाना जो हम लोग खा रहे हैं, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं खा रहे हैं, बल्कि 95 देशों में इस खाना को खाया जा रहा है ना। आप देख रहे हैं 95 देश में ये खाना को सबको खाना, कितने अमेजिंग है। हम लोग तो 95 देशों में खा रहे हैं, वही खाना को हम लोग भी खा रहे हैं, है ना। इसलिए अपने कोच को थैंक यू जरूर बोलिएगा, जिन्होंने इस सिस्टम में आपको लाया है। तो कुछ शेड्यूल है, मंडे टू सैटरडे है ना। तो वर्कआउट जैसे कि 6 बजे से 6:05 से 6:35 तक जो है वर्कआउट सेशन होता है, और न्यूट्रिशन एजुकेशन होता है 6:35 से 6:50 तक। उसके बाद जो है कुछ रिजल्ट यहाँ सुनने के लिए मिलता है, जैसे 6:50 से 7 बजे तक। और जो है यहाँ पर कुछ लोगों का क्लोजिंग होता है, जिनका तीसरा दिन हो जाता है उनका क्लोजिंग भी होता है ना। तो आप सभी जो है सीखने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, रेडी है ना। तो हमारे बीच जो है आ चुकी है हमें जानकारी देने के लिए सीनियर वेलनेस मैम, है ना, जो सीनियर वेलनेस कोच मैम नेहा साहू मैम, हम बुलाना चाहेंगे आज के एजुकेशन देने के लिए। वेलकम नेहा साहू मैम, वेलकम मैम, वेलकम ऑन द स्क्रीन।
ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? डेफिनेटली मैं देख रही थी सब पे सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतना शानदार तरीके से सब वर्कआउट फॉलो कर रहे थे। तो आज के हमारे वर्कआउट कोच के लिए जोरदार क्लैप करेंगे अपने जगह से और थैंक यू बोलेंगे, अमेजिंग वर्कआउट था। देन रेनू मैम के लिए भी हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे, काफी अमेजिंग तरीके से हमको 6 बजे से बांध के रखे हैं ना, सुबह से बांध के रखे हैं। तो आज हम लोग बहुत कुछ जो चीज सीखने वाले हैं अपने लाइफ स्टाइल को और कैसे बेहतर करें इसके लिए, देन वो तो सीखना है, बट हम कुछ रिजल्ट लेंगे जो काफी ज्यादा एक्साइटेड है और एक्साइटेड मेंबर लोग अमेजिंग रिजल्ट कर रहे हैं। तो उनमें से मैं कुछ रिजल्ट लेना चाहूंगी, तो रिजल्ट की ओर पहले चलते हैं, देन हम लोग सीखने की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने रिजल्ट शेयर करने के लिए बुला रही हूँ संपा दत्ता मैम को। प्लीज वेलकम संपा मैम। देखिए आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। शंपा दत्ता मैम, आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। देखिए मैम आपके मोबाइल। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम जी मैम, आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। जी. मेरा नाम शंपा दत्ता है. मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरा वजन बहुत ज्यादा था. अभी मैंने मेरे कोच के गाइडलाइन फॉलो करते हुए मैंने 1 महीने में 6 किलो वजन कम किया है. थैंक यू माय कोच एंड ऑल कोचेस. मैम 6 केजी मैं बहुत वेट लॉस नर्वस हूँ, की, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ. ओके 6 केजी वेट लॉस किए हैं, तो और क्या क्या चीज आप बेटर फील कर पा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे मैम? मेरे मेरे बहुत से हेल्थ इश्यूज थे, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गया है. अभी बहुत प्रॉब्लम में काम भी नहीं कर पाती थी ढंग से. अभी मेरा सांस फूलने लगता था काम करने के टाइम, वो भी वो प्रॉब्लम ठीक हो गया है. रात को नींद भी ढंग से नहीं आती थी, अभी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गया है. मैं काम ढंग से नहीं कर पाती थी, मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम होती थी. अभी बहुत ओके बहुत ओके सुस्त महसूस करती हूँ. कंग्रेचुलेशंस मैम, अमेजिंग रिजल्ट है, और हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने आइडियल वेट को अचीव करें और लाइफ टाइम हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे, यही ब्लेसिंग है हमारी फिट कम्युनिटी। थैंक यू मैं कोच को, नेहा मैम को. और एक और शानदार हम लोग अभी रिजल्ट लेने वाले हैं मधु साहू मैम का। देखिए मैम आपके पास भी एक अनम्यूट का ऑप्शन गया है, मधु साहू। गुड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग एवरीवन. मैं मधु साहू रायपुर से हूँ. मैं भी यहाँ बढ़ते वजन के कारण आई थी. मैं 2 महीने में लगभग 10 केजी वेट लॉस की हूँ. पहले वजन बढ़ते वजन के कारण मेरे घुटनों में दर्द था, अभी पहले कम था. और मैं कोशिश कर रहा हूँ. ओके मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। शायद नेटवर्क इशू के कारण मैम का जो है वॉइस क्रैक हो रहा है ना, क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो मैम ने जैसे बोला कि 2 महीने में 10 केजी वेट लॉस किए हैं, तो एक और रिजल्ट लेते हैं, मैम का वॉइस क्लियर नहीं है। सुमन शर्मा मैम के पास चलेंगे, देन हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना? तो सुमन शर्मा मैम, देखिए आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आप अपना रिजल्ट कंटिन्यू शेयर कर सकते हैं। सुमन शर्मा मैम, मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम सुमन शर्मा है, मैं दोंदेखोर से बिलोंग करती हूँ. मैं भी इस कम्युनिटी में आने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, और 1 महीने में मैंने 4 केजी वेट लॉस किया है. प्लस मुझे बहुत ही वीकनेस महसूस होता था जो अब नहीं होता है. मेरे बैक पेन भी चले गया, मेरे जॉइंट्स में भी पेन होते थे वो भी नहीं है. थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू रीना मैम, और थैंक यू कमिटी के सारे कोचेस. वाओ, थैंक यू. अमेजिंग, कंग्रेचुलेशंस मैम, काफी अमेजिंग रिजल्ट है ना सबका। तो अपने तरफ से माइक को म्यूट कर लीजिए मैम, और हम लोग आगे चलेंगे सीखने के लिए, है ना? तो मैम लोगों ने जैसे बताया कि उनका इतना अच्छा रिजल्ट है, 1 मिनट म्यूट कर, तो क्या चीज को उन लोग फॉलो किए हैं ना, तो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। सर स्लाइड शेयर करेंगे।
और आप सबके पास है ना अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, तो जरूर आप ले सकते हैं, क्योंकि इधर मौसम जो है थोड़ा सा खराब है, बारिश हो रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसोफी, है ना। तो मैं सुबह से ही सोच रही हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको। हम डेली खाना खाते हैं, है ना, जब से पैदा हुए हैं तब से खा रहे हैं, जब इस धरती से जाएंगे तब तक खाते ही रहेंगे, और खाने का हमारा पर्पस चेंज हो गया है, इसी कारण से इस चीज की जरूरत पड़ी है। देन खाने की जो गुणवत्ता है, भोजन की जो गुणवत्ता होती है, उसमें भी गिरावट आती गई है। नहीं तो पहले क्या होता था, हमारे पूर्वज है ना अच्छे से काम भी करते थे, अच्छे से खाते थे भी, और अच्छे से रहते थे, कोई बहुत सारे चैलेंजेस, बीमारी या ओबेसिटी लेके नहीं गए हैं, मोटापा लेके इस धरती से नहीं गए हैं, सब लोग स्वस्थ रहते थे और पूरा एक्टिव रहते थे। और कुछ चीज हमारे लाइफ में चेंज होती गई है, हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है, हमारा रहन सहन बदल गया है, हमारे डाइट में भी चेंजेस आई है, देन हमारे खाने की जो वेराइटी है वो तो एक्सेस हुई है, बढ़ी है, लेकिन कमी किस चीज की आई है, न्यूट्रिशन की आई है। इसी कारण आज हमको वैश्विक स्तर पे, है ना, खाली हमारे यही छत्तीसगढ़, एमपी या फिर इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व लेवल पे हमको न्यूट्रिशन फिलोसॉफी के बारे में लर्न करने की, पढ़ने की, जानने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। रीजन यही है ना। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे हम कभी कोई बीमार पड़ते थे, कभी कोई बीमार पड़ते थे तो उसके घर में फ्रूट आता था, तो लोग जान जाते थे कि किसका तबीयत खराब है कि आज फ्रूट ला रहे हो। जब हमारी बॉडी वीक होती थी तब हमको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती थी, नहीं तो हम घर के ही डाइट से अपने पूरे न्यूट्रिशन की पूर्ति कर लेते थे। एक जमाना वो था, और अभी का जमाना बदलते जा रहा है, तो क्या क्या चीज हमारे न्यूट्रिशन गैलरी में हमको ऐड करना चाहिए, ये हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा वर्क जो है स्मार्ट हो गया है, ज्यादातर लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा विश्व स्तर का है जो न्यूट्रिशन डिजाइन किया गया है कि हमारे थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं, और आप सब एक बार क्लैप कीजिए इस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इसी के तहत ही ऐसे ही आपको डिजाइन करने के लिए बोला जाता है आपके कोच के द्वारा आपके थाली को। तो जब हम खाना खाए तो हमारे खाने में क्या होना चाहिए, 40% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, है ना। और सिर्फ कार्ब नहीं, कार्ब के साथ क्या होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, और हमको डेली बेसिस में 25 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। उसके साथ साथ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन भी 30% होना चाहिए। देन 30% क्या होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए। तो फैट्स कौन सा होना चाहिए, ओमेगा 3 वाला फैट्स होना चाहिए, है ना। और प्रोटीन भी हम ले तो हमें अच्छा बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन, देन हमको जरूरत पड़ती है एक्सरसाइज की। तो आज हमें सर ने इतना अच्छा एक्सरसाइज कराया, तो एक बार और क्लैप करेंगे सर के लिए, क्योंकि हमको हमारा जो वर्कआउट का रिक्वायरमेंट आज का था वो फुलफिल हो चुका है। उसके साथ साथ हाइड्रेशन, है ना, हम लोग को पानी की भी जरूरत पड़ती है हर दिन। हम जब वाटर का क्लास होता है, जिस दिन टॉपिक होता है उस दिन सीखते भी हैं, बहुत से लोग जान रहे हैं कि अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपने लाइफ स्टाइल रूटीन के अकॉर्डिंग हमको कितना पानी पीना चाहिए। और जिनको अभी नहीं है तो आप लोग वेट कीजिए, और जिस दिन वाटर का टॉपिक होगा उस दिन आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि पानी कितना लेना है, क्या क्या फायदे हैं। बट मैं बता दूं, अगर मेरा वजन अभी 55 किलो है तो अराउंड मुझको 3 लीटर तक पानी पीने की जरूरत होती है ना। देन रेस्ट, अब रेस्ट आपको लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद भी आपकी प्रॉपर होनी जरूरी है। ये सारा चीज हम फॉलो किए बट हम अपने शरीर को रेस्ट नहीं दिए तो भी हम एक स्वस्थ शरीर नहीं मिल सकता। तो रेस्ट में बोल दी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट नाइट सो रहे हैं और सुबह क्लास लेकर के जल्दी उठ रहे हैं और नींद की पूर्ति करने के लिए दोपहर में फिर से सो जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। रेस्ट आप अपना टाइम सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी है, जिसमें क्या होगा आप पूरा दिन आप एनर्जेटिक रह पाएंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से फॉलो करना है तो आपको बेहतरीन फिटनेस मिल सकता है सर, नेक्स्ट करेंगे। तो अभी हमने बात किया कि हमें क्या क्या नीड है ना। तो हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या है सर, नेक्स्ट करेंगे। ये प्रोटीन
फर्स्ट न्यूट्रिशन है ना। जब हम अपना मील लेना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, और ये किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। देन इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो जब हम घर बनाते हैं तो घर को मजबूत रखने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं, बेस्ट क्वालिटी की हम लोग रखते हैं, ईंट रखते हैं, सीमेंट रखते हैं, सरिया रखते हैं, सारा चीज बेस्ट क्वालिटी की रखते हैं, तब जाके घर जो है मजबूत बन पाता है। उसी तरह प्रोटीन भी अगर बेस्ट क्वालिटी का हम लेते हैं, अच्छा प्रोटीन लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, मजबूत बना के रखता है। देन हमें प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? तो अभी देखते हैं कि प्रोटीन कहाँ से क्या करता है। तो जैसे प्रोटीन बहुत लोग होते हैं जिनको भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, छोटी छोटी भूख लगती है, तो इसको क्या करते हैं, हमारे हंगर को कंट्रोल करके रखता है, भूख को कंट्रोल करके रखता है। उसके साथ साथ हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, हमें एनर्जी से भरपूर एक दिन देता है, बॉडी देता है। और बहुत सारे लोग वर्कआउट के शौकीन होते हैं, जिम जाते हैं, यहाँ पे भी हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो हमारा मेन पर्पस क्या हो जाता है, जब हम जिम कर रहे हैं तब हमको प्रोटीन की जरूरत होती है, और वहां पे जिम ट्रेनर होते हैं, वो सजेस्ट करते ही हैं आपको प्रोटीन लेना है करके। लेकिन आपको आपके रूटीन के अकॉर्डिंग पर डे क्या प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके मसल्स मांस को मेंटेन रखने का काम प्रोटीन करता है। देन अगर हमारे खाने में प्रोटीन की कमी हो जाती है, हम जब पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये थोड़ा सा देखिए और आप लोग महसूस कीजिए कि कहीं आपके साथ ये तो नहीं हो रहा है कि आप टायर्ड थका थका फील करेंगे, और देन आपको वीकनेस आएगी। जब आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपको कमजोरी आएगी और आपका बॉडी जो है फ्लवी हो जाएगा, है ना, फुल थूला बॉडी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना है। तो हमको मिलेगा कहाँ से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें प्रोटीन मिलेगा कहाँ से। तो आप लोग देखते हैं कि 1 मिनट, सॉरी, है ना, तो जितने भी मीट है ना, मीट है, इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, पोल्ट्री आइटम है उसमें मिलेगा, फिश है, डेयरी है, डेयरी में बहुत सारे आते हैं, दूध, पनीर, घी, मक्खन, है ना, दही, ये सब डेयरी आइटम्स में भी आपको प्रोटीन मिलेगा। देन एग, सोया, टोफू, और बहुत सारे हैं हमारे, बीन्स है और चिकन्स है, ये सब में आपको प्रोटीन के सोर्स मिल जाएंगे। बट वहां पे प्रोटीन के साथ हम लोग क्या लेते हैं, इंटेक करते हैं, फैट्स भी इंटेक कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग जोरदार एक बार क्लैप कर सकते हैं हमारे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के लिए, जो हर किसी के पास है ना, ये न्यूट्रिशन हर किसी के पास है ना, जो भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, है ना, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, और जो डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाता है, तो इसके लिए। और देन हमको फार्मूला 1 से भी प्रोटीन मिलता है। तो आप लोग ये दोनों जो बेस्ट न्यूट्रिशन है, इसके लिए आप क्लैप कर सकते हैं। देन हम लोग लेंगे और एक चीज जो हम लोग देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये क्या देता है, एनर्जी का काम करता है ना, हमारे बॉडी को ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये सोर्स कौन सोर्स है जो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या होता है, हम लोग जो कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में फ्यूल कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो गाड़ी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, वैसे हमारी बॉडी के साथ होता है। जब हमारे बॉडी में ऊर्जा नहीं रहेगा तो हमको काम करने का मन नहीं करता है, हम रुक जाते हैं, रेस्ट मोड में चले जाते हैं। तो जब गाड़ी में ईंधन नहीं होता है तो क्या हम उसमें ऑयल या हवा डलाते हैं? नहीं, उसमें हम लोग फ्यूल डलाते हैं ना, ताकि गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हमको, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपने खाने से, तो हमारा शरीर फिर से एनर्जेटिक हो जाता है और हम काम करने लगते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है वर्क करने के लिए। और उसके साथ साथ जैसे भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए हमको सपोर्ट करता है। देन हमको प्रोवाइड करता है, एनर्जी भी देता है और स्टेमिना को भी हमारा बूस्ट करता है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ से, कौन सा कार्बो हमारे लिए बेस्ट है, ये जानने वाले हैं। तो आप सब यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, बीन्स लेते हैं, है ना, उसके साथ साथ हम लोग होल ग्रेन लेते हैं, और
बहुत सारे ऐसी चीज है, हनी लेते हैं और सोया है, ये सब में आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आप लोग एक बार जोरदार फिर से क्लैप करेंगे हमारे फार्मूला वन के लिए, क्योंकि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमारी डे हर दिन की रिक्वायरमेंट होती है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने का काम करता है। तो यहाँ पे अब बात आती है व्हाट इज फैट। फैट क्या है ना, फैट का नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो फैट क्या करता है, ये सोर्स है एनर्जी का, ऊर्जा का सोर्स है ना। तो हम लोग देखते हैं कुछ फैट्स होता है जो हमारे बॉडी की नीड होती है, जरूरत होती है, और कुछ फैट होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, खराब होता है। तो कौन सा फैट हमारे लिए अच्छा होता है और कौन सा फैट हमारे लिए खराब होता है, तो यहाँ पे देखेंगे बैलेंस योर फैट्स, है ना, हम अपने फैट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको क्या कट करना है, क्या लिखा है यहाँ पे, ओमेगा 6 है ना, इसको कट डाउन करना है। तो ओमेगा 6 क्या है, जितने भी है ना तले भुने चीज है, बार बार जैसे कि फ्राई हो रहा है, तेल बार बार गर्म हो रहा है, उसी में हम लोग सब्जी भाजी या कुछ भी पकवान बना रहे हैं, ऐसे टाइप के जो फैट होते हैं वो ओमेगा 6 फैट में आते हैं, इसको हमको कट डाउन करना है। और ओमेगा 3 जो फैट है उसको इंक्रीज करना है, अपने डाइट में पर्याप्त लेना है। तो वाई फैट आगे जानेंगे कि ये क्या करता है। तो ये आपको क्या करता है, हमको सपोर्ट करता है हमारे हार्ट को, ब्रेन को एंड ज्वाइंट को हेल्दी रखने के लिए, इसलिए आप हम सबको फैट की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ देखते हैं कि बहुत से लोगों का इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक रहता है, कमजोर रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है फैट। और कहाँ मिलेगा ये, कहाँ मिलेगा फैट, है ना। तो देखते हैं कि हमें एवोकाडोस में मिलता है, ऑलिव ऑयल्स में मिलता है, फिश कुछ तरह की है ना फिश में मिलता है, बट बेस्ट क्वालिटी का जो फैट है ओमेगा 6 वाला 3 वाला वो कहाँ पे मिलता है, हमको समुद्री मछली पे मिलता है। देन हमको मीट में मिलता है, और व्हाइट मीट लेंगे तो ज्यादा बेटर है रेड मीट की अपेक्षा, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी का फीड देता है। देन चिकन्स है, और उसके साथ साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट है ना, जैसे हमने पहले भी बात किया कि डेयरी प्रोडक्ट्स के हमको प्रोटीन भी मिलता है और फैट्स भी मिलता है, और बहुत तरह के नट्स होते हैं और सीड्स होती है, दालें होती है इन सॉरी। तो आप लोग जरूर एक बार क्लैप करेंगे हमारे हर्बल लाइफ लाइन के लिए जो हमारे न्यूट्रिशन गैलरी में उपलब्ध है, और आपको लगता है कि आपको अपने बॉडी में बेस्ट फैट देना है आपके बॉडी की सपोर्ट के लिए, तो आप जरूर अपने कोच से बात करके एक बार इसको कंज्यूम करके देखिए, और इसका रिजल्ट आप खुद महसूस कर पाएंगे। तो यही है, तो इतना जाने है ना। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, एंड ओवर टू यू रेनू शाह मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए क्लैप करेंगे, इतने अमेजिंग जानकारी दी है ना। न्यूट्रिशन फिलोसफी आज हमने जाना, न्यूट्रिशन फिलोसफी के बारे में, न्यूट्रिशन की कमी से हमारे बॉडी को क्या क्या हानि होती है, और न्यूट्रिशन सही मात्रा में देते हैं तो क्या क्या लाभ होता है। ये सारी चीजें मैम ने कितने अच्छे से अमेजिंग तरीके से जानकारी दी है ना। इसलिए आप लोग जो है सभी कोई मैम के लिए थैंक यू बोलेंगे, और चैट बॉक्स में भी जा करके आप लिख सकते हैं। तो आज पहली बार इस कॉल पे अगर कोई है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई पहली बार जो इस कॉल पे आए हैं, आज फर्स्ट डे है जिनका, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। कोई है क्या फर्स्ट बार जो आज आए हैं? कोई बात नहीं। अगर तीसरा दिन किसी का हो गया है तो वो भी हैंडराइज कर सकते हैं, वो भी हमसे बात कर सकते हैं जिनका तीसरा दिन कंप्लीट हो गया है ना।
कोई बात नहीं, अगर जिनका भी फर्स्ट दिन हो गया है, आज फर्स्ट दिन आए हैं तो 2 दिन और बने रहिए, और जिनका तीसरा दिन आज कंप्लीट हो गया है, कॉल के खत्म होते हैं, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है उनसे आप बात कीजिए, उन आपको आगे का जो है लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। तो आप सभी जो है हमारे आज के वर्कआउट कोच सर और अमेजिंग जो है नॉलेज देने वाली मैम सीनियर वेलनेस कोच मैम नेहा साहू मैम के लिए, दोनों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, चैट बॉक्स खुला हुआ है वहां लिख सकते हैं। तो आप सभी को बाय बाय। तो सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम।